नीतीश कुमार जी, आपने एक आज बजट पेश किया है, आप बजट तो पेश करते ही रहते हैं, कभी मुनाफा, आप हमेशा आप एक बाजीगर हैं नीतीश कुमार जी। मुझे समझ में नहीं आता अगले साल दो सालों से आपके पैसे 50-50% 60% पैसे या तो वापस हो जाते हैं या आप खर्च नहीं कर पाते। 20,000 करोड़ रुपया बिहार के बच्चे पढ़ने के लिए बाहर देते हैं, इलाज के लिए बाहर देते हैं, रोजगार के लिए बाहर देते हैं, महिलाएं सुरक्षा पर आपकी कोई सवाल नहीं हुई, एजुकेशन और हेल्थ दुनिया का सबसे निचले पोदान पर है, 28 नंबर पर बिहार है, इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास कुछ नहीं हुआ, पूंजी निवेश आप कुछ नहीं कर सके, उसके बाद आप इन्वायरमेंट नहीं बना सके और 1.3% भी आप फैक्ट्री को रोजगार को आप ला नहीं पाए। आप लगातार जिस तरीके से बजट आप दिखाते हैं और फिर बजट के बाद जो आज नियोजित शिक्षक की स्थिति है, आज संविदा की स्थिति है, आज आंगनबाड़ी की स्थिति है, आप जिस भी विभाग में संविदा और नियोजित पर बहाल किए हो, आप उसकी स्थिति देख लो, उसके हालात देख लो, 6-6, 4-4 महीने पर आपके पास पैसे देने के लिए आपके पास पैसे नहीं होते हैं, पैसा कहाँ जाता है। एस्टीमेट घोटाले पर मैं कई बार चर्चा कर चुका हूँ, जब बाढ़ में आप घर में सोए थे और आपके ही उप मुख्यमंत्री राजेंद्र नगर में सोए थे, मैंने कई बार आपसे कहा ये 6,000 करोड़ रुपया गया कहाँ, आप 1,200 करोड़ का एस्टीमेट बनाते हो और फिर 5,000 करोड़ का आप लगातार बढ़कर उसमें 2,500 पॉलिटिशियन और पदाधिकारी आप लूटते हो। ये जो बजट है आपका, ये कंप्लीट रूप से युवाओं के हित में नहीं है, छात्र के हित में नहीं है, महिलाओं की सुरक्षा पर कोई सवाल नहीं है, बेटियों के रोजगार पर आपका कोई बहस नहीं है। बिहार 28वें नंबर से क्या इस बजट से आप 20 नंबर 22 नंबर पर ले जाने की पहल कर सकते हैं? दूसरी तरफ क्या अपराध और माफियाओं को रोकने के लिए इस बजट में आपने कोई न्यू टेक्नोलॉजी थाना या अन्य चीज़ों के लिए आपने लाया है? आप फार्मर्स के लिए कुछ नहीं दिए, आप फार्मर्स को क्या देंगे उस पर कुछ बात नहीं किया आपने, जो हालात है बिहार के किसानों की जो स्थिति है उस पर आप चर्चा नहीं किए। तो जब सारा पैसा आपका बाहर जा रहा हो, मजदूरी करने वाला पैसा बाहर जाता है मजदूरी, फिर एजुकेशन का पैसा बाहर, बीमारी में हम बाहर जाते हैं तो पैसा बाहर, तो फिर आप जब आपकी पूंजी रुकी नहीं रही है तो बिहार का निर्माण संभव कैसे है? इसलिए हम चाहते हैं कि ये जो आपका बजट है कंप्लीट रूप से युवा विरोधी है, महिलाएं विरोधी है, किसान विरोधी है, गरीब विरोधी है, हेल्थ और एजुकेशन के लिए आपके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, आप डॉक्टर को बढ़ाने का कोई सॉल्यूशन नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ में बढ़ाने का कोई सॉल्यूशन नहीं है। क्या 15 साल के बाद और 15-30 साल के बाद अब भी आप जनता को भगवान बना करके मूर्ख बना के क्या आप फिर से 20वां साल भी चाहते हो क्या, जिन्होंने हर व्यक्ति को शायद मौत से बदतर जिंदगी दी हो? तो मेरा मानना है कि यह बजट कंप्लीट रूप से अनप्रैक्टिकल है, यह बजट बिहार के हित में नहीं।